हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल क्लासिक गेमिंग। तो मैं हूं क्रिशनेस, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक तगड़ा मोड जिसमें आप लोग माइनक्राफ्ट के किसी भी ब्लॉक से एक आर्मर या फिर वेपन्स बना सकते हो। तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा ही तगड़ी होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, क्योंकि यार अगर आप लोग वीडियो देखते रहोगे तो भूल जाने वाले हो। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक तो कर ही दो, जल्दी से लाइक कर दो, और कोई बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो आज का मोड बहुत तगड़ा होने वाला है। इस मोड का नाम है ब्लॉक आर्मर मोड, यानी कि इसमें आप लोग कोई भी ब्लॉक से कोई सा भी आर्मर बना सकते हो। तो ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको लास्ट तक देखना एंड सारी की सारी चीज़ें समझ जाओ, वरना ये काम नहीं करेगी। तो बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ मत बोलना भाइयों, ठीक है ना। तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो देख सकते हो क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर लिया है मैंने। एंड यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला काम होता है एक एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले पूरा का पूरा ऑन कर देना, ठीक है। पहला काम होता है एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले पूरा का पूरा ऑन कर दो, ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को साइड तरफ दिख रहा होगा रिसोर्स पैक, तो इसमें जाकर ये वाली फाइल एंड बिहेवियर पैक में जाकर ये वाली फाइल, इनको कैसे अप्लाई डाउनलोड करना है वो आगे मैं बताऊंगा आप लोग को। तो इतना करने के बाद आप लोग क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद आप लोग के सामने एक डुग्गड़ आएगा, मतलब आप लोग के सामने तो नहीं आएगा, मेरे सामने आया, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इन्वेंट्री में जाना है आप लोग को। इन्वेंट्री में जाने के बाद आप लोग शॉर्ट पे क्लिक करो तो कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोग को, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, नीचे 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 जाते जाना है। एंड नीचे जाने के बाद आप लोग को देखने को मिलने वाली है बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें। इन्वेंट्री में आप लोग को सबसे पहले नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद सबसे पहले तो पूरा का पूरा नीचे आना है। एंड वहाँ पर आप लोग को बहुत तगड़े तगड़े आर्मर देखने को मिलने वाले हैं, जिनको देखकर आप लोग को मन करेगा कि आप लोग भी इस मोड को खेलो, और अगर खेलना है तो लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हो एमेथेस्ट हेलमेट, चेस्ट प्लेट एंड सारी की सारी चीज़ें, एमेथेस्ट की, बीकन की आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेगिंग्स, बूट सब कुछ है। एंड यहाँ पे बेडरॉक की भी आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, बुक सेल्फ की भी दे रखी है इन लोगों ने, एंड साथ ही साथ कोल की भी दे रखी है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कोल की सारी चीज़ें, कॉबल स्टोन भी दे रखा है इन लोगों ने, कॉबल स्टोन से भी आप लोग कुछ कुछ बना सकते हो। एंड साथ ही साथ कॉपर ब्लॉक से भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, ग्लास से बना सकते हो, एंड साथ ही साथ गोल्ड से तो पता ही था, आइस से भी बना सकते हो, आयरन से भी बना सकते हो, एंड साथ ही साथ लैपिस से बना सकते हो, नेदराइट से भी बना सकते हो, एंड इसके बाद आप लोग नेदरैक से बना सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो ऑब्सीडियन से भी बना सकते हो, देन आप लोग क्वार्ट्ज से भी बना सकते हो, एंड रेडस्टोन, एंड साथ ही साथ स्लाइम से बना सकते हो, एंड वुल। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आप लोग आराम से कोई भी आर्मर बना सकते हो, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग बहुत सारे आर्मर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, एंड उसका ड्यूरेबिलिटी एंड सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम लोग बेडरॉक वाला ट्राई करते हैं, और बेडरॉक वाला मुझे क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा तकड़ा होगा, मतलब इसको कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, मतलब बेडरॉक को कौन ही तोड़ सकता है, और बेडरॉक को मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नॉर्मल बंदा तोड़ पाएगा। नॉर्मल क्या, कोई विदर भी आ जाए, ड्रैगन भी आ जाए, तो वो नहीं तोड़ पाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग आर्मर का लाइफ देख पा रहे हो, पूरा का पूरा फुल है, एंड इसी के कारण पता चल रहा है कि ये आर्मर कितना ज़्यादा ही तगड़ा होगा। तो चलो दूसरा आर्मर को ट्राई करते हैं, जो कि होने वाली है एमेथिस्ट आर्मर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आर्मर से शायद से मुझे लग रहा है कि आवाज़ें आएंगी, मतलब चलने टाइम, दौड़ने टाइम, मारने टाइम आवाज़ें आएंगी, बट मेरा ये सोचना गलत था, क्योंकि वैसा कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे तो नहीं पता आवाज़ क्यों नहीं आ रहा था, बट एक रीज़न हो सकता है जिससे आवाज़ नहीं दिया गया, वो होता है मतलब कोई भी बंदा कुछ भी कर रहा है तो आवाज़ें आएंगी, एंड वो खेल नहीं पाएगा अच्छे से, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं दी गई है, ठीक है ना। जो वो नहीं होती आवाज़ टन टन करके बजती है एमएसएस पे चलने पर, वही सेम आवाज़ में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड इसका लाइफ देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर बहुत कम है, मतलब 5 के बराबर है, ठीक है, 5 ही है, तो इतना दूर का ही होता है, ठीक है ना। तो ये उतना ज़्यादा तो मतलब मस्त नहीं होता, क्योंकि इसको आराम से हम लोग कोई भी पिकैक्स से तोड़ सकते हैं, कोई भी नहीं, अब मत बोलना वुड से तोड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बीकन का हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं, एंड देखते हैं बीकन में कितना पावर है, मतलब बीकन तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा जब तक उसमें डायमंड या फिर कोई भी ऐसा मतलब रिसोर्स ना दे, बट यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हो इसका लाइफ पूरा का पूरा फुल है, मतलब इसकी मदद से आप लोग आराम से मतलब नेदराइट का काम कर रहा है एक तरह से, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, नेदराइट डायमंड इसका काम कर रहा है। और मुझे लास्ट में चेक करना है कि बेडरॉक का कितना ही पावर है, ठीक है ना। मुझे लगता है बेडरॉक बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बट यहाँ पर ये सब भी हम लोग को ट्राई करना है। बेडरॉक हमने ट्राई कर लिया, बुक सेल्फ एक बार ट्राई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बुक सेल्फ के सारी की सारी चीज़ें, बूट्स, लेगिंग्स एंड सारे के सारे हेलमेट, ये सारी चीज़ें पहन लेते हैं। एंड यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा का पूरा नमूना बना दिया हमें, मतलब देख रहे हो पूरा का पूरा लाइब्रेरी बंदा, मतलब देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा ही मस्त लग रहा है ये हमें, मस्त तो नहीं लग रहा है बट ठीक ही लग रहा है भाई, मतलब मस्त ही लग रहा है, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँगा। बुक के बारे गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, मतलब बुक के बारे गलत बोलोगे तो 12 में मार्क्स खराब आते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा सुना है। तो इसका पावर देख सकते हो
बहुत कम होता है, बट बुक से जब किसी को फेंक के पड़ती है भाई तब तो बहुत ज़्यादा चोट लगता है। बट यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो इसका तीन ही पॉइंट है, ठीक है। कहीं गलती से आप लोग इस आर्मर को पहनकर एंडर ड्रैगन को मारने चल जाओ, वो भी सोच कर कि बुक में बहुत ज़्यादा ही पावर होती है, मत जाना प्लीज़ मत जाना, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और आर्मर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा आर्मर हम लोग देखने वाले हैं, मतलब दूसरा क्या नेक्स्ट आर्मर देखने वाले हैं हम लोग, वो है एमरल। ओके एमरल नहीं देखेंगे, यहाँ पर कोल वाला देखते हैं, ठीक है। कोल वाला देखते हैं कैसा लगता है, मतलब पूरा का पूरा हम लोग ब्लैक तो हैं ही, और ज़्यादा ही ब्लैक हो जाने वाले हैं, ठीक है। देख पा रहे हो भाई क्या ही भाई, मुझे वर्कर वाली फीलिंग आ रही है, जो माइंड में नहीं होते हैं उन्हीं की जैसे फीलिंग आ रही है। बट यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा का पूरा हम लोग ब्लैक हो चुके हैं, एंड मैन इन ब्लैक भाई साहब, मतलब देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ही सही लग रहा है। यह आर्मर भी बहुत सही है और इसका ड्यूरेबिलिटी देख पा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट डायमंड का आर्मर जितना होता है, डायमंड या आर्मर उसी के सेम है, ठीक है ना। तो इसको पहनकर आप लोग सोच सकते हो विदर को मारना, ओके, मतलब ड्रैगन के पास मत जाना। एंड यहाँ पर आप लोग देखते हैं, मतलब आप लोग क्या मैं देखता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले एंड वाला, ओके एंड वाला नहीं देखेंगे, मैं नेक्स्ट देखने वाला फर्नेस। ओके फर्नेस भाई, फर्नेस का कौन बनाता है भाई, चलो एक बार पहन के देखते हैं फर्नेस वाला में हम लोग कैसा लगते हैं। फर्नेस का आर्मर सोचा भी नहीं होगा किसी ने भाई साहब, ये तो भाई पूरा का पूरा सस्ता आयरन मैन लग रहा हूँ मैं, देख रहे हो भाई क्या ही, एक तरफ आयरन लगा हुआ है, एक तरफ स्टोन लगा हुआ है, मतलब कुछ भी बना रखा है इन लोगों ने। और इसका भी मतलब देख पा रहे हो यहाँ पर इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत सही है, ठीक है ना। इसको भी पहनकर जा सकते हो आप लोग विलेजर को मारने, बेचारों की क्या गलती है, बट मार देना, ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ग्लास वाला आर्मर, एंड ग्लास वाले आर्मर में मतलब कुछ दिखेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आर्मर दिखेगा अभी। ओके ओके दिखता है, इसका बॉर्डर्स दो होता है वो दिखता है, ठीक है। तो ये वाला भी आर्मर सही लग रहा है, देख रहे हो आप लोग चारों के चारों तरफ से देखो, बहुत सही है भाई साहब, मतलब इसको भी पहनकर जा सकते हो। पर इसका एक बार ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या ही होगा, मतलब मुझे नहीं लगता इसका पावर होगा ज़्यादा। तो यहाँ पर इसका दो है, बस दो से क्या ही होगा भाई, मतलब क्या ही हो सकता है इससे। मैं अच्छा वुडन वाला होता भी नहीं है, ठीक है, लेदर वाला पहन लूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर लगेगा इससे। बट ये वाला सही लग रहा है, ये वाला आर्मर, ठीक है ना। इसको ये पहनकर आप लोग चिल कर सकते हो एकदम। बट हम लोग देखते हैं कोई नेक्स्ट आर्मर जो कि इससे भी ज़्यादा तगड़ा हो, ठीक है, इससे क्या बेटर से भी ज़्यादा तगड़ा हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला होना चाहिए हम लोग का रेडस्टोन। ओके रेडस्टोन नहीं, यहाँ पर वूल वाला, ओके वूल वाला नहीं, स्लाइम, ओके स्लाइम वाला ट्राई कर सकते हैं। स्लाइम वाले से क्या पता हम लोग चिपक जाए, वो भी एक स्पाइडरमैन की तरह, और कहीं भी चिपक के कहीं भी चढ़ जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर देख पा रहे हो ये सिंपल सा आर्मर है, एंड यहाँ पर ये बहुत बेकार लग रहा है, वाहियात लग रहा है, मतलब देख रहे हो पीला कुछ याद आ रहा है मुझे, बट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर स्लाइम सही लग रहा है भाई, उतना भी ज़्यादा मस्त नहीं लग रहा है और उतना भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी और देखेंगे भाई इसके में कितना ही पावर होगा, मतलब ये एक एंडर ड्रैगन को मार सकता है या फिर नहीं, मुझे नहीं लगता है, बट इसका बहुत कम ही होगा। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है ना, इसका ड्यूरेबिलिटी नहीं देखेंगे हम लोग, वुल देखते हैं, ठीक है। स्लाइम में क्या ही पावर होगा, वुल को देखते हैं, वुल में क्या ही पावर देखने को मिलने वाला। वुल भाई, वुल पूरा का पूरा हम लोग को वाइट कर दिया भाई, पूरा का पूरा ब्लैक थे हम लोग, ब्लैक दिल वाले बंदे। बट यहाँ पर हम लोग बन चुके हैं सिप के जैसे भाई साहब, सिप से भी हम लोग ज़्यादा गोरे हैं भाई, देख लो सिप से भी ज़्यादा वाइट, मतलब सिप से ज़्यादा वाइट कहाँ मिलेगा भाई, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। सिप हम लोग से कम वाइट था, मतलब देख रहे थे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे वो डुग्गर फिर से घूम रहा है, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग, एंड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या होने वाली है, नेक्स्ट यहाँ पर होने वाली है, ओके। तो यहाँ पर लोग बेडरॉक पहनते हैं, और मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एक, जो कि होने वाला है मैं विदर को मारने वाला हूँ। विदर को मारने वाला नहीं, वो मुझे मारेगा, मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें ले ली है और मैं सर्वाइवल मोड में चला गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल सैंड लगाते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर इसको लगाया एंड इसको साइड से लगाया एंड इसको राइट में लगाया, एंड अब हमें उछल कर यहाँ नौटंकियाँ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विदर का स्कल ले लेते हैं हम लोग, एंड विदर का स्कल लेने के बाद यहाँ पर लगाते हैं एक, यहाँ पर लगाते हैं दो, एंड ये तीसरा लगाने के बाद भैंस की आँख होने वाली है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो विदर आ चुका है, विदर समन हो रहा है, एंड ये डुग्गर लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब इनकी भैंस की आँख होनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फटने वाला फट गया भाई, क्या ही गंदा आर्मर है भाई, छी मुझे लगा था बेडरॉक वाला बहुत तगड़ा होगा, बट यहाँ पर हम लोग मरने ही वाले, मुझे पता है मैं मर जाऊँगा, ओके मर गया भैंस की आँख, ये बेकार था सबसे, बेडरॉक वाला कुछ नहीं होता है, बेकार था, ठीक है, इसको ट्राई मत करना, ओके। तो चलो इसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग को पिन की हुई मिल जाएगी, मेरी कमेंट होगी तो उस पर लिंक पे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। तो चलो इस वीडियो पर एम करते हैं हम लोग 500 लाइक्स का, अगर आप लोग कंप्लीट कराते हो तो मैं और भी ऐसी तगड़ी मोड्स लाऊंगा। तो चलो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।